पीथमपुर के पत्रकार आशीष डाबी को खनन व कंस्ट्रक्शन माफिया द्वारा जान से मारने की धमकी का मामला सामने आने के बाद औद्योगिक नगरी प्रेस क्लब द्वारा पत्रकार साथी के साथ सेक्टर एक थाने पर आवेदन देकर मुकदमा दर्ज करवाया। पत्रकार आशीष डाबी ने पिछले दिनों स्थानीय एकता कंस्ट्रक्शंस द्वारा सड़क निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने की खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद ही लगातार उन्हें धमकियां मिल रही थीं। वहीं बीते दिन उन्हें रास्ते में रोककर धमकाते हुए हमला करने की कोशिश की गई। इसके बाद प्रेस क्लब के साथियों ने सेक्टर एक थाने पर लिखित शिकायत करके मुकदमा दर्ज करवाया व जल्द से जल्द आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। क्लब के एक हमारे साथी आशीष डाबी, इन्होंने क्या कुछ दिन पूर्व एक सर्विस रोड बन रहा है नगर पालिका के द्वारा, उसकी खबर चलाई थी। खबर के बाद जो है वहाँ के उन कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक ने जो है इनको जान से मारने की धमकी दी और कल जो है इनका रास्ता रोककर जो है प्राणघातक हमला करने की कोशिश की। मैं ये बताना चाहूँगा, आज तो हमने थाने पर आवेदन दिया है और मुकदमा भी दर्ज हो गया है, लेकिन ये अभिव्यक्ति के अधिकारों का हनन है। कंस्ट्रक्शन कंपनी जो सर्विस रोड का काम कर रही है उसके संबंध में पत्रकार साथी आशीष डाबी ने एक रिपोर्ट बनाई थी और उससे आक्रोशित होकर एक भूरा नाम का व्यक्ति जो उसके साथ दो आदमी थे आशीष डाबी को जान से मारने की धमकी, रास्ता रोकने एवं टेलीफोन से गाली गलौज किया है। सेक्टर 1 थाना में प्रकरण पंजीबद्ध किया।